क्रिकेट मैच की सटोरियों का पर्दाफाश। एशिया कप के फाइनल मैच की सट्टेबाजी हुई उजागर। लाखों रुपए की नकदी समेत दो सटोरिये गिरफ्तार। अकोला के लोकल क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए इन दोनों आरोपियों को जरा गौर से देखिए। ये वो सट्टेबाज हैं जो शुक्रवार को हुए एशिया कप के फाइनल मुकाबले की सट्टेबाजी में पूरी तरह से लीन थे। दरअसल अकोला पुलिस को जानकारी मिली थी कि जिले के बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहने वाले कैलाश सीताराम अग्रवाल नाम के व्यक्ति के निवास पर भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले का सट्टा लगाया जा रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर। जिसके बाद लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने उक्त जगह पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस को कंप्यूटर, मोबाइल समेत तकरीबन 7.5 लाख रुपए की नकदी और सामग्रियां बरामद हुई। वहीं सट्टेबाजी के इस गोरख धंधे में लिप्त दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम घनश्याम दास रणपीसे और गिरीश विश्वनाथ गुप्ता बताया जा रहा है। आज रोज आम्ही स्थानिक गुन्हे शाखेत 2017 गुप्त बातमीदाराकडून बातमी मिळाली की कैलाश अग्रवाल यांच्या घरी बोरगाव पोलीस स्टेशन हद्दीत क्रिकेट सट्ट्याचा खायवाडी करण्यात येत आहे अशा गुप्तदाराच्या बातमीवरून आम्ही माननीय पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा यांना सदरबाबत माहिती देऊन त्यांच्या आदेशाने कैलाश अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल बोरगाव राणा बोरगाव म्हणजे यांच्या घरी क्रिकेट सट्टा रेड केली असता त्यांच्याकडे एकूण 7,56,250 रुपयाचा मुद्देमाल मिळून आला। सदरची कार्य ही माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलीस निरीक्षक कैलाश नागरे सर यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही सोबत ASI दिनकर बुंदे पोलीस और सर किती आरोपी आहे सर त्यामध्ये? यामध्ये दोन आरोपी आहे। आणि कोणती मॅच चा क्रिकेटचा सट्टा चालू होता? भारत वर्सेस बांग्लादेश जो एशिया कप चल रहा है त्या ती मॅच चालू होती। वैसे सट्टेबाजी के गोरख धंधे का ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस ने छापेमारी कर इसका पर्दाफाश किया हो, लेकिन कई अरसे बाद क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि सट्टेबाजों के तार और कहां कहां जुड़े हो सकते हैं। अकबर खान, इन 24 न्यूज, अकोला।